जय जोहार संगवारी हो, सब बने बने हूँ। आज बात कर वो अपन फ्यूचर के बारे में। हमारे फ्यूचर का हरे, फ्यूचर मतलब भविष्य भाई। बचपन से हमला यही सिखाए जाते कि अच्छे से पढ़ो, अच्छा पढ़ ले बे तब बड़े नौकरी मिल जाए। हमार दिमाग में यही बीज लपो देते नौकरी। बस दौड़ धूप ये नौकरी में लग रही थी। शुरुआती पड़ाव ये रही थी कि बचपन तो जैसे तैसे खेले में बीत गए। जब पढ़ाई की बारी आई, उम्र बढ़ गई, पढ़ते पढ़ते कब जवानी आई पता नहीं चली। घर वाले की थी अच्छे से पढ़ो, पढ़ लें तो फिर कोई नौकरी ढूंढ ले। नौकरी ढूंढने के बाद नौकरी मिल गई तो कही थे शादी कर ले। शादी करने के बाद कही थे कि लड़का कब हो ही। तो फिर कही कि लड़का मन बाढ़ जावा थे, ओखर अच्छा भविष्य हमला बनाना है। लड़का मन ला अच्छा खासा पढ़ा लिखा डरिन और हम वन सेटल हो गए। अब तो लड़का मन हा खुद के नौकरी भी करेल धलिस। ऐसे तैसे उम्र हमार बुढ़ापा के आगे। हमारी जिंदगी के डोर अब वक्त के इंतजार कर ही जब हम ये दुनिया ले चले जाबो तो हमार फ्यूचर का रेस पता है जीरो। हाँ, लेकिन हीरो अपन जिंदगी के हम खुद हरे। वो कैसे? वो ऐसे कि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक असली जिंदगी बहुत मुश्किल से कटी हवे। कभी धूप, कभी छांव, कभी कड़कते बरसात, बहुत मुश्किल रही थी ये पल हर। शिकायत बहुत रही से जब जवानी की अवस्था इस तो घर वाले कहीस कि कतेक दिन ले निठल्ला बैठे रही बेरी, काहे कुछ नहीं कर सका था तो शादी कर लेना, का पता शादी के बाद तो जिंदगी बदल जाही। जिंदगी तो बदल गई से। फिर जब भी कोई फैसला लें, हर फैसला मांगली उठी जाते। खैर, ये तो जिंदगी है। जिंदगी के पड़ाव में कभी धूप तो कभी छांव आई, लेकिन भरोसा
अपन आप ऊपर रख दे। खाली हाथ आए रहे हो, अब मुझे पता है कि मैं खाली हाथ जाऊं, फिर जिंदगी के इस सफर में ऐसे मत जी कि लाखों की वो भीड़ में तो एक भीड़ बन के रह जा। मैं बात कर रहा था हम सब के जिन एक भीड़ के हिस्सा बन के रह गए हैं, ता अपन आप ला चेंज करो और भरोसा अपन आप ऊपर रखो। खैर भरोसा तो ये सांस के भी नहीं है, फिर सांस वो हमारे ऊपर निर्भर करते कि कब तक ये सांस चलेगी। राम राम।